हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल अंशी जोड़े क्लासेस में। तो यहाँ पे मैंने 20 गेज का वायर लिया है और थोड़ा गैप छोड़ते हुए हमें वायर को फोल्ड करना है, यानी कि हमें लूप बना लेना है। और आप चाहो तो राउंड नोज प्लायर का यूज़ कर सकते हो, अगर वो ना हो तो आप इसी प्लायर का यूज़ करें। तो देखिए, बीच में लूप बनाने के बाद दोनों साइड्स की वायर हमें इक्वल रखनी है। तो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। अब हमें जो ऊपर लूप बनाया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नीचे की तरफ दोनों साइड्स पे लूप बना लेने हैं इस तरह से। तो ये दूसरा लूप भी हमें इसी तरह नीचे की तरफ वायर को फोल्ड करते हुए बना लेना है। तो इसका यूज आप एज अ कनेक्टर भी कर सकते हो ज्वेलरी मेकिंग में। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं पर्ल चेन ले रही हूँ जो पिंक कलर में है। तो अब मैं इसके पीसेस कट करूंगी। तो दो पीसेस मैं सेम साइज के ले रही हूँ और बीच वाला पीस मैंने थोड़ा लॉन्ग लेंथ में रखा है। तो आप लेंथ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब यहाँ पे जंप रिंग मैंने बीच वाले लूप में डाल लिया है और इसी जंप रिंग में मैं अपने लॉन्ग वाली चेन को डाल दूंगी और इसे हमें प्लायर के साथ क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। और उसके बाद जो साइड में लूप बनाई थी उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें जंप रिंग नहीं डालना, यहाँ पे मैं सीधे ही इसे ओपन करके चेन डाल रही हूँ और इसे फिर से प्लायर से बंद कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड वाला लूप ओपन करेंगे और चेन को डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस चेन में होल होता है, वहां से हमें यहाँ पे चेन डाल देनी है और फिर से लूप को बंद कर देना है। जंप रिंग हमें सिर्फ बीच वाले लूप में डालनी है, साइड्स वाले लूप में हमें सीधे चेन को डाल देना है। और इस तरह हमने अपनी तीनों चेन्स को हैंग कर लिया है। और चेन के नीचे हैंग करने के लिए यहाँ पे मैं कौड़ी शेल ले रही हूँ और कौड़ी शेल पे थोड़ा डिजाइन क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टोन चेन ले रही हूँ। तो स्टोन चेन के कुछ पीसेस हमें कट कर लेने हैं और इन्हें पेस्ट करने के लिए आप चाहो तो ये ग्लू ले सकते हो या फिर B7000 ग्लू, क्योंकि इनसे हम इंस्टेंटली स्टिक कर सकते हैं ज्वेलरी मटेरियल्स को। तो देखिए, हमें चेन को पेस्ट इस तरह से करना है कि ऊपर थोड़ा गैप नजर आना चाहिए, इस तरह से। पूरे में चेन को पेस्ट नहीं करना, इसी तरह से बाकी के और पीसेस भी हमें रेडी कर लेने हैं। अब जंप रिंग लेंगे और कौड़ी के बैक वाली साइड में होल है, वहां से जंप रिंग को डालेंगे और आगे की तरफ से निकाल लेंगे जहां हमने गैप छोड़ा था। और अब चेन के आगे जो लूप है वहां से जंपिंग को डालते हुए हमें क्लोज कर लेना है, इससे हमारी कौड़ी है जो वो हैंग हो जाएगी। और एक और जंपिंग लेंगे, अपने कौड़ी शेल को जंपिंग में डालेंगे और जो चेन है, चेन के नीचे लूप, वहां से हमें उसे जंपिंग में डाल लेना है और प्लायर के साथ प्रेस करते हुए इसे क्लोज कर देना है, इस तरह से। तो इसी तरह जो लास्ट पीस है उसे भी हमें लास्ट चेन के साथ हैंग कर लेना है और इसे प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। तो देखिए, चेन हमारी हैंग हो चुकी है। चेन के नीचे आप चाहो तो चार्म्स भी लगा सकते हो। कौड़ी शेल नहीं है आपके पास तो आप चार्म्स ले सकते हो। अब ऊपर हैंगिंग ले रही हूँ, हैंगिंग के लूप को ओपन करेंगे और जो मैंने लूप बनाया था उसके ऊपर हमें अपने हैंगिंग को लगा देना है और फिर से लूप को बंद कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमारे इयररिंग्स बनके रेडी हो चुके हैं। ऐसा ही एक और पीस मैंने बना लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इयररिंग्स पसंद आएंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।